चंबल नदी में नहाने गए 7 साल के मासूम पर मगरमच्छ ने हमला कर दिया। मगरमच्छ के हमले से बच्चा गहराई में चला गया, जिसका शव सुबह 8 बजे मिला। कुछ ग्रामीणों ने मगरमच्छ को हमला करते हुए देख लिया था, जिसके बाद ग्रामीण नदी में उतरे और मगरमच्छ को पकड़ लाए। ग्रामीणों का कहना था कि बच्चा मगरमच्छ के पेट में है और उसे निकालने के बाद ही वो मगरमच्छ को छोड़ेंगे। 4 घंटे बाद भी मगरमच्छ ने कोई हरकत नहीं की तो वन विभाग के हवाले कर दिया गया। मामला जिले के रघुनाथपुर क्षेत्र के रिझेटा घाट पर चंबल नदी के किनारे का है। थाना प्रभारी श्यामवीर सिंह तोमर ने बताया कि लक्ष्मण सिंह केवट का 7 साल का बेटा अतर सिंह सोमवार सुबह चंबल नदी में नहाने गया था। इस दौरान उस पर मगरमच्छ ने हमला कर दिया। हमले से अतर सिंह गहरे पानी में चला गया। गांव के दूसरे लोगों ने ये देख लिया, जिसके बाद बच्चे के परिजन और ग्रामीण हाथों में लाठी डंडे और जाल लेकर आ गए। ग्रामीणों ने मगरमच्छ को जाल में फंसा कर बाहर निकाला और उसे रस्सी से बांध दिया। SDRF की टीम के तलाशने पर सुबह 8 बजे बच्चे का शव मिला है। मगरमच्छ बच्चे को पकड़ नहीं पाया था, उसकी डूबने से मौत हुई है। ग्रामीणों का कहना था कि बच्चे को मगरमच्छ ने निकला है और वो इसके पेट में है। वहीं बच्चे को मगरमच्छ के पेट से निकालकर ही उसे छोड़ेंगे। दिन भर चंबल नदी पर लोगों का जमावड़ा लगा रहा। घड़ियाल विभाग के अधिकारी ग्रामीणों को मगरमच्छ को छोड़ने के लिए समझाते रहे। वहीं वन विभाग ने पीड़ित परिवार को मुआवजा दिलाने का भी आश्वासन दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, विराट 24।